मोबाइल में सबसे पहले आपको फेसबुक पेज ओपन करना है डेस्कटॉप मोड में, और पे आउट सेटिंग में जाना है। ऊपर में दिखेगा आपको एड टैक्स इन्फॉर्मेशन, उसके बाद नीचे भी जाएगा यहाँ पे एड टैक्स इन्फो, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद में आपको ऊपर में पहले ही दिख जाता है ब्लू कलर का एड टैक्स इन्फॉर्मेशन, उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ देर इस तरह का मतलब कि रिफ्रेश करेगा, एक नया पॉपअप खुलेगा विंडो, ठीक है। यहाँ पे आपको फेसबुक पेज बोले कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो फेसबुक आईडी को मैं प्रोफाइल को कंटिन्यू कर दिया हूँ, ठीक है, प्रोसेस को आगे करने के लिए, तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। उसी तरह आपको भी क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा गेट स्टार्टेड का। ओके, यहाँ पे आपको बोल रहा है व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल रहने देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आर यू यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर यूएस रेसिडेंट एलियन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो कर देना है सीधे। उसके बाद नीचे आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन एज ए आर फ्लो थ्रू एंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको नीचे क्या कर देना है, नो कर देना है सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे जो दिख रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ी ही देर में कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपको कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया। तो नीचे देखते हैं कहाँ पे इंडिया है मेरा, ठीक है। तो स्क्रॉल करते हुए सब नीचे जाते हैं और यहाँ पे दिख जाता है मेरा इंडिया। तो यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर लिया मैंने अपना कंट्री। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टिन नंबर मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपका नन यूएस टिन नंबर इंडिया का पड़ता है, ठीक है। तो इंडिया का जो पैन नंबर होता है, ठीक है, मतलब कि पैन नंबर आप जानते ही होंगे, पैन कार्ड का जो नंबर होता है, तो वो नन यूएस टिन होता है। तो आपको नीचे नन यूएस टिन में आपको क्या कर देना है, पैन नंबर, आपको पैन नंबर मतलब फिलअप कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर फिलअप कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर फिलअप कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है, ब्लू कलर का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में ऊपर दिखेगा कंट्री, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है इंडिया। उसके बाद में एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आगे ज़्यादा लंबा आपका एड्रेस का है वर्ड, तो आप उसको आधा काट करके नीचे डाल सकते हैं और लाइन नंबर 2 में, ठीक है। तो मेरा तो कम स्पेस में मतलब ये एड्रेस पूरा फिल हो जाता है, तो मैं 1 में ही रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं नीचे जो है सिटी पिन कोड सब जो है ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है, इसमें मुझे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चुपचाप। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया हूँ, जो आधार कार्ड में एड्रेस था वही मैं वहाँ से कॉपी कर लिया हूँ। ओके, उसके बाद में मैं अपना यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। आपको भी आधार कार्ड में देख कर अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देखा एड योर मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे भी आपको सेम कर देना है, ठीक है। सेम टिक्स बॉक्स जो है आपको लगा देना है, ठीक है, टिक मार देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, नीचे जो दिख रहा है आपको नेक्स्ट का ऑप्शन। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद में यहाँ पर दिखेगा 0%। ओके, नीचे तो वहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है, चेक मार्क कर देना है, और आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, सिंपली वही रहने देना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे एग्रीमेंट है, इसको कुछ आपको रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है, सिग्नेचर के तौर पे। तो डेट आपका वही रहेगा जो डेट, जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आज का डेट है मेरा, तो आज ही मैं अपना एड्रेस वहाँ रहने देता हूँ, डेट रहने देता हूँ। उसके बाद में ऊपर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ओके, जो मेरा नाम है पैन कार्ड पे, वही नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दिया हूँ, ठीक है, ये मेरे भाई का नाम है, तो भाई का नाम यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है, उसी के नाम से पैन कार्ड वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, नाम डालने के उसके बाद में यहाँ पे WLBN फॉर्म रहेगा, इसको आपको क्लियर ही पढ़ लेना है, ठीक है, कि सब सही से ही भराया है या नहीं भराया फॉर्म, ठीक है। ये एक तरह से PDF होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इस PDF को आपको रीड कर लेना है आराम से, धीरे धीरे, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं रीड भी कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे, सब कुछ सही है मेरा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
ओके, पूरा पीडीएफ में पढ़ लेता हूँ एक बार। तो मेरे हिसाब से मेरा नाम वगैरह सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके, नीचे मैं तो सबमिट मैं पे, क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वेट कर लेगा आपको, ठीक है, प्रोसेस होने में। तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। ठीक है, वेट करने के बाद में आपको जो है दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीट, मेरा जो है कम्प्लीट हो चुका है टैक्स इन्फॉर्मेशन, सब कुछ मैंने सही सही भर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे एड्रेस, यूएसटी नंबर, सब कुछ शॉर्टकट में बता दिया है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए W84 सर्विस जो है वेरीफाइड बता रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह से जो है आप जो अपने फेसबुक का US टैक्स फॉर्म, एड टैक्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ओके, सक्सेसफुली। ओके, चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूजफुल रहा, हेल्पफुल रहा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं आपको इस वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।